टेक डॉक्टर इंडियन में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों को DC एनालिसिस किस प्रकार किया जाता है यह दिखाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना आप वही प्रोजेक्ट खोल लीजिए जो आपने लास्ट टाइम किया था इन्वर्टर का। तो इस सर्किट में आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आप इसमें जो आपने वोल्टेज सोर्स लगाया है, मैं आपके लिए सुविधा के लिए उसका नाम VPWR और V पावर के नाम से उसको कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो मैंने इनपुट लगाया है उसे VIN 5 वोल्ट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ऐसा करना क्यों जरूरी है यह अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया है जिसकी वैल्यू को भी मैंने चेंज किया है 0.01 माइक्रोन फेरेड। तो यह सर्किट हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हमें इसे सिमुलेशन करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले इसे सेव करिए और टी स्पाइस फाइल के अंदर जाइए। टी स्पाइस फाइल में जाते ही आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप इसमें लाइब्रेरी को ऐड करिए, टेक्नोलॉजी फाइल को ऐड करिए जो कि आपको एडिट में जा करके इंसर्ट कमांड के अंदर मिलेगी। इसके अंदर आपको फाइल्स में जाना है और इंक्लूड को प्रेस करते हुए यहाँ पे ब्राउज करते हैं HP 0.5 को यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो अब यहाँ पर आपको जब DC एनालिसिस करना है तो आपको DC एनालिसिस के लिए देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे पहले एक पैरामीटर को डिफाइन करना है। .PARM का मतलब डॉट पैरामीटर होता है और इस डॉट पैरामीटर को हमने VPWR के नाम से बनाया है, जिसको मैं वोल्टेज 3.5 वोल्ट दे रहा हूँ। दोस्तों, आउटपुट फाइल देखने के लिए आप दोबारा इंसर्ट फाइल में जाइए और यहाँ पर जा करके इस बार DC ट्रांसफर स्वीप को आप क्लिक करिए। यहाँ पर स्वीप 1 लेते हुए आपको पैरामीटर के अंदर पैरामीटर सोर्स लेना है और सोर्स का नाम हमने यहाँ पे VVIN देना है और यहाँ पे स्टार्ट वोल्टेज आप 0.0 तथा स्टॉप वोल्टेज आप 3.3 वोल्ट दीजिए और इंक्रीमेंट यहाँ पे 0.02 का रखिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। इसी प्रकार स्वीप 2 के अंदर आपको फिर सोर्स लेना है और इस बार सोर्स आपको VV पावर लेना है और इसमें स्टार्ट टाइम आप यहाँ पे 2.3 वोल्ट तथा स्टॉप टाइम यहाँ पे आप 4.5 वोल्ट लीजिए और इंक्रीमेंट यहाँ पर 0.5 वोल्ट का लीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करते ही आप इंसर्ट कमांड करिए, देखिए यह कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप ऐड होकर के आ गई। दोस्तों, इसी तरीके से आपको इसको आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए आप आउटपुट में जाइए और यहाँ पर DC रिजल्ट के अंदर आउटपुट में इन और ऐड करते हुए आउट को लिखते हुए फिर ऐड करिए और ऐड करके इसे इंसर्ट कमांड को प्रेस करिए। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉट प्रिंट कमांड जनरेट होकर के आ गई। अब आप इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करिए और रन करते ही यह देखिए आपके सामने डब्ल्यू एडिट के अंदर वेवफॉर्म निकल के आ गई। दोस्तों, यह इसीलिए वेवफॉर्म एग्जैक्टली जो इन्वर्टर की होती है वह इसलिए नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी फाइल हमने जो यूज़ करी है उसके अंदर ये पैरामीटर मैच नहीं करते। देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक टेक्नोलॉजी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं, मैं यहाँ से 0.25 माइक्रोन की टेक्नोलॉजी फाइल का यूज़ कर रहा हूँ। इसको आपको नोटबोर्ड में सिंपल खोलना है और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हुए इसके अंदर पेस्ट करना है। दोस्तों, यह फाइल आपकी सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। आपको यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी फाइल को सेव करना है और इसको यहाँ से प्रोग्राम को सेव करते हुए रन करना है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे इस बार जो आपके पास डब्ल्यू एडिट के अंदर वेवफॉर्म आई है वह बिल्कुल एक्यूरेट आई है, जैसे कि इन्वर्टर की DC करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जब भी आपको अगर इसका प्रिंट लेना हो तो आपके लिए आपको करना क्या है, आप इसमें फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा ही इसका प्रिंट लीजिए ताकि वह उस समय इसका बैकग्राउंड वाइट आता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब अगर आपको इस सर्किट का भी आउटपुट लेना है तो आप इसमें क्या करिए, इसका प्रिंट प्रीव्यू में जा करके इसका आउटपुट लीजिए। यह वाइट बैकग्राउंड पे आता है जिसके अंदर इंक की बड़ी बचत होती है।
इसी एनालिसिस दोस्तों हम जब भी करते हैं उसका हमारा मेन मकसद होता है कि हमें आउटपुट का इनपुट के साथ वेरिएशन देखना है। तो जब भी कभी आपको किसी भी डिवाइस का आउटपुट का इनपुट के साथ वेरिएशन देखना हो तो आप डीसी एनालिसिस कर सकते हैं, और यह बहुत ही उपयोगी है आपको। जब भी आप कोई डिवाइस या कोई सर्किट आप बना रहे हैं जिसका आपको आउटपुट का वेरिएशन इनपुट के साथ देखना है तो आपको उसका डीसी एनालिसिस ही करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगी, और इसी प्रकार की और इनोवेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।